जब मैंने फर्स्ट शो किया था जहाँ पे मुझे एक बोल्ड सीन डिलीवर करना था तो मुझे बहुत स्ट्रेस था। स्ट्रेस एक महीना से चल रहा था जब मुझे पता था कि ये शो मैं कर रहा हूँ और ये एक सीन मुझे परफॉर्म करना है। फॉर मी इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू डू अ लीड कैरेक्टर। ऐसा नहीं है कि मैं आई ओनली लुक फॉर लीड कैरेक्टर्स, बट येस आई लुक फॉर अ कैरेक्टर जो एक स्टोरी में एक इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, जिसकी वजह से स्टोरी में क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या उसका वो स्टोरी को किस तरह से आगे लेके जा रहा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। क्योंकि क्या होता है आजकल आप थोड़ी बहुत बॉडी बना लेते हैं तो फिर आपका एक थोड़ा माचो लुक हो जाता है, आपने बियर्ड रख लिया, आप थोड़ा शार्प है, फीचर्स हैं आपके, और आजकल तो हर दूसरा तीसरा एक्टर ऐसा ही दिखता है तो आपको एक स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है कहीं ना कहीं। जैसे ऋतिक रोशन ने वॉर में किया है या सैफ अली खान ने एजेंट विनोद में किया है, उस तरह का एक एक्शन पैक्ड स्पाई कैरेक्टर मुझे प्ले करना है किसी प्रोजेक्ट में। Hi, this is Vin Rana and you guys are watching me on TellyChakkar. Vin, पहले तो welcome back on TellyChakkar. Thank you so much. Thank you. क्या कहना चाहेंगे, ये कैसी हसरतें हैं जो फैंस को देखने को मिलने वाली हैं? ये एक बहुत ही डिफरेंट, आई वुड से एक डिफरेंट किरदार है जो मैंने किया है and I really want all of you to watch it. I'm looking forward myself and हमने ये एक साल पहले शूट किया था. Now it's finally there. Very excited and looking forward. Vin, 5 अलग-अलग कहानियाँ हैं तो आपकी क्या कहानी है इस हसरतों में? सो मेरी कहानी का नाम है प्लम्बर। बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है। लड़का जो एक स्मॉल टाउन से आता है, यू नो, विद ड्रीम्स इन हिज आइज, ही कम्स टू बॉम्बे, वांट्स टू बी एन एक्टर, और उसके साथ सर्वाइव करने के लिए वो कुछ चीज़ें कर रहा है। बट देन एक दिन ऐसा आता है कि जहाँ पर उसे मिसअंडरस्टूड कर लिया जाता है उसके कैरेक्टर को, और जैसा आपने प्रोमो में भी या ट्रेलर में टीजर में देखा होगा। तो बस उसके बाद कैसे उसकी लाइफ चेंज हो जाती है पूरी की पूरी। द शो इज़ ऑल अबाउट दैट एंड बाकी आगे की कहानी जो है वो आप शो में देख लेंगे तो बेटर होगा, बिकॉज इससे ज़्यादा मैं बता नहीं पाऊँगा। पहली बार किरदार के बारे में सुना था या फिर यू नो द एंटायर स्टोरी के बारे में जाना था जी, तो आपका एज एन ऑडियंस रिएक्शन क्या था, व्यू पॉइंट क्या था? सी मैं ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, जब मुझे पहली बार स्टोरी बताई गई थी तो मैं थोड़ा सा हेजिटेट हुआ था। आई एम ग्लैड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस शो एंड मुझे ये जो अपॉर्चुनिटी शकुंतलम टेलीफिल्म्स और हंगामा प्ले से मिली है। When you talk about OTT and now that you see the trailer of Hasratein, the first impression comes as bold, sensuous. So how comfortable are you know, enacting or performing a bold or intimate scene on screen? It is little stressful for me. You know, performing bold scenes, I don't really feel comfortable sometimes, but yeah, it totally depends on the director, also on your co-actor also sometimes they make you feel comfortable. मैंने ऐसा नहीं है कि first time कोई ऐसा बोल्ड सीन किया है। क्या होता है कि कभी कभी हम टीजर देखते हैं, प्रोमो देखते हैं और हम सोचते हैं, लेकिन अंदर यू नो इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुली मेड शो। जो भी है स्क्रिप्ट के हिसाब से इट इज़ ऑल गोइंग राइट इन द शो। कई बार लोग कुछ परसेप्शन बना लेते हैं टीजर या ट्रेलर देख के, सो मैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि गो एंड वॉच द शो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल शो और हर स्टोरी एक मैसेज डिलीवर कर रही है, सो प्लीज़ वॉच इट। हाँ, मुझे बिल्कुल स्ट्रेसफुल फील होता है। जब मैंने फर्स्ट शो किया था जहाँ पे मुझे एक बोल्ड सीन डिलीवर करना था तो मुझे बहुत स्ट्रेस था। स्ट्रेस एक महीना से चल रहा था जब मुझे पता था कि ये शो मैं कर रहा हूँ और ये एक सीन मुझे परफॉर्म करना है, तो एक महीने से मैं वो स्ट्रेस कैरी कर रहा था। बट जिस तरह से वो शूट हुआ उसके बाद यू नो आई फेल्ट थोड़ा बेटर। एज एन एक्टर, व्हाट आर दोस टॉप पॉइंट्स दैट यू एक्चुअली लुक आउट फॉर इन द स्क्रिप्ट जो यू नो विल एक्चुअली मेक यू से यस फॉर दैट? सी आई टोटली लुक फॉर अ पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले यही पूछता हूँ, फॉर मी इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू डू अ लीड कैरेक्टर। ऐसा नहीं है कि मैं आई ओनली लुक फॉर लीड कैरेक्टर्स, बट येस आई लुक फॉर अ कैरेक्टर जो एक स्टोरी में एक इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, जिसकी वजह से स्टोरी में क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या उसका वो स्टोरी को किस तरह से आगे लेके जा रहा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि मेरा स्क्रीन स्पेस कितना है शो में या किसी भी प्रोजेक्ट में। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि मैं क्या इंपॉर्टेंस मेरा कैरेक्टर होल्ड करता है उस स्टोरी। Well, you've always played different किरदार, but still I would say that you know a bad boy image when we look at you or maybe a chocolate boy image, जो कि perception लोगों का बन जाता है किरदारों के बारे में, एक्टर्स के बारे में. So do you feel that you know when you are playing such characters, people are just, or maybe the audience or the producers or makers are just stereotyping you because industry में stereotype होना बहुत आम है। हाँ, ये मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है, because कभी कभी ऐसा मुझे लगता है कि मुझे एक ही टाइप के रोल्स ऑफर होते हैं, मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ द वे आई लुक। क्योंकि क्या होता है आजकल आप थोड़ी बहुत बॉडी बना लेते हैं तो फिर आपका एक थोड़ा माचो लुक हो जाता है, आपने बियर्ड रख लिया, आप थोड़ा शार्प है, फीचर्स हैं आपके, और आजकल तो हर दूसरा तीसरा एक्टर ऐसा ही दिखता है तो आपको एक स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है कहीं ना कहीं। बट मैं आई एम लकी, आई वुड से कि मैं काफ़ी इस चीज़ में फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मैंने काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। मैंने एक नेगेटिव कैरेक्टर्स भी प्ले किए हैं, पॉजिटिव भी किए हैं, मैंने माइथोलॉजिकल शो भी किया है जिसमें मैंने एक डिफरेंट कैरेक्टर प्ले किया है। और दिस शो इफ़ यू टॉक अबाउट हसरतें, इसमें मैंने जो कैरेक्टर प्ले किया है वो भी मेरी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग है और एक ऐसा कैरेक्टर जो मैंने कभी प्ले नहीं किया है उससे बहुत अलग है। सो आई एम pretty fortunate that way. But what was the most difficult part about playing this role? ऐसा कुछ था जो you know you had to get yourself into it to play it or what? जो हमने अभी जैसे आपने कहा about the bold scenes, जब भी bold scene कहीं पे एक नाम आता है तो मैं थोड़ा सा हेजिटेट हो जाता हूँ, तो मुझे वो स्क्रिप्ट वो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लगता है, यू नो मुझे माइंड मेकअप करना होता है, आई हैव टू गो थ्रू द स्क्रिप्ट, एकदम डीपली जाना पड़ता है तो अंडरस्टैंड कि कितना इंपॉर्टेंस है उस सीन का और इफ आई विल बी एबल टू डू इट और नॉट। तो यही एक स्मॉल पार्ट है जहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुआ था, बट मैंने जो सोचा था उससे बहुत ही अच्छे तरीके से शूट किया गया। हमारे जो डायरेक्टर हैं और हमारी जो क्रिएटिव टीम ने जब मुझे उसे ब्रीफली जब समझाया तो वो जो डिस्कम्फर्ट था वो निकल गया। लास्टली ये बता दीजिए बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली यू नो एंटरिंग बिग बॉस या बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं, आर यू इन द कैटेगरी ऑफ एक्चुअली फॉलोइंग बिग बॉस और यू आर नॉट फॉलोइंग बिग बॉस? आई डोंट रियली फॉलो बिग बॉस और आई वुड ऑनेस्टली आई डोंट फॉलो एनी शो। मतलब मैं कोई भी, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। आप डेली सोप के लिए शूट कर रहे होते हो तो उतना टाइम ही नहीं होता आपके पास। बट इफ गिवन अ चांस वुड यू वांट टू एंटर द हाउस? नॉट राइट नाउ, मे बी in the future but not right now, not right. What about any other reality show? Would you like to do any other? Yes, I would love to do Khatron Ke Khiladi or maybe a dance show like Jhalak Dikha Ja maybe. Yes, I would love to do it. Fans ko kya kehna chahenge ki that you know is kirdar ke baad aur kaun se aise kirdar hain jisme you know you would want to try your hand at? Ek aisa character hai jo mujhe play karna hai aur meri bahut strong wish hai usko lekar, wo hai ek spy ka character jaisa Hrithik Roshan ne War mein kiya hai ya Saif Ali Khan ne Agent Vinod mein kiya hai, Tom Cruise प्ले करते हैं, उस तरह का एक एक्शन पैक्ड स्पाई कैरेक्टर मुझे प्ले करना है इसी प्रोजेक्ट में एंड आई रियली विश कि वो ये विश मेरी जल्दी पूरी हो। हाय, दिस इज विन राणा एंड यू गाइज आर वॉचिंग मी ऑन टेली चक्कर। Know all about the telly world by subscribing to TellyChakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.